तो हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो से हमारे बीबोस के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। बिहार बोर्ड की तरफ से नया नोटिफिकेशन, बीबोस की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी हो गया। नोटिफिकेशन बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो है आ चुकी है गाइस। जैसे कि हम लोग लगातार आपको बता रहे थे कि जरूर नोटिफिकेशन निकलेगा, एग्जाम वाले स्टूडेंट का एग्जाम होएगा। तो गाइस, कमर कस लीजिए, एग्जाम जो है आपका जल्द होने वाला है। ओके गाइज, उसके बाद गाइज मैं आपको बता देने वाला हूँ, रिजल्ट वाले स्टूडेंट जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो तो इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है गाइज। रिजल्ट आपका आने वाला, उनके लिए भी नोटिफिकेशन आया, सारा नोटिफिकेशन मैं बताने वाला हूँ ए टू जेड। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेगा, जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए, और लगातार हम जैसे कि गाइज आपको बता रहे थे कि यहाँ पे जो है आपका रिजल्ट आएगा गाइज, और हम लोग आपका रिजल्ट दिलवा के रहेंगे, एग्जाम भी आपका करवा के रहेंगे। तो गाइज ये सारी चीजें हैं, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ गाइज, ठीक है। तो एक बहुत दिनों के बाद यहाँ पे हमको अपडेट देखने को मिल रही है गाइज। नीचे जो है गाइज यहाँ पे आ जाते हैं और ऊपर में जो है अपडेट पे क्लिक कर देते हैं फटाक से, और यहाँ पे देखो डाउनलोड हो चुका है गाइज। और देखते हैं ये गाइज, अभी अभी जो है हमारा नोटिफिकेशन दिया गया है, मतलब गाइज ये देखो बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पे देखो यार, अमानत वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एग्जाम फॉर्म उनका भराने का यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है। तो ये देखो, ये आज का हमारा ये नोटिफिकेशन है, और एग्जाम वाले स्टूडेंट को मैं बता देने वाला हूँ गाइज। चलो यार, इतने दिनों से कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन आया बोर्ड की तरफ से। इसका मतलब है अभी सबका जो है एग्जाम वगैरह जो है ये सारा कुछ का नोटिफिकेशन इसके बाद आने वाला है। एडमिट कार्ड डेट शीट जो है आपका, इसका नोटिफिकेशन जो है इन्हीं कुछ दिनों में आने वाला है। मार्च के लास्ट में आपका एग्जाम, अप्रैल के फर्स्ट वीक, मार्च के लास्ट वीक में आपका जो है एग्जाम होने की चांसेस है। यहाँ पे एडमिट कार्ड आपके मिड तक आएंगे। ओके गाइज, मैं आपको बता देने वाला हूँ, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। और गाइज रिजल्ट वाले स्टूडेंट को मैं बता देने वाला हूँ, चलिए। तो गाइज रिजल्ट वाले स्टूडेंट को मैं बता देना चाहूंगा, यहाँ पे आज का हमारा ये ब्रेकिंग न्यूज है, बिहार बोर्ड के इंटर का परिणाम जो है 20 तक जारी होने की संभावना है। यहाँ पे देखो बिहार बोर्ड का जो है इंटर का रिजल्ट जो है 20 तक जारी होगा। वाह भाई, क्या बात है, क्या गुड न्यूज दिया है। यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं 20 तारीख तक यहाँ पे रिजल्ट आने वाले हैं बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी का। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा, कंफर्म कर देना चाहूँगा गाइज, यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटर वार्षिक परीक्षा 2024 का परिणाम 20 तक जारी करने की संभावना। वाह भाई मेरे, देखो यार कॉपी भी इनका चेक हो गया, रिजल्ट भी आ गया हमारे वीवोस वाले स्टूडेंट का। भाई नवंबर दिसंबर में, 4 दिसंबर तक एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे भाई, उनका रिजल्ट के बारे में नोटिफिकेशन नहीं निकाला यार ये लोग, ठीक है। हमको जैसे कि लग रहा है कि भाई बिहार बोर्ड का रिजल्ट से पहले देना चाहिए यार, इसी इन्हीं कुछ दिनों में रिजल्ट आएगा यार। कितना कितना तारीख हमारा आज हो गया, आज 4 मार्च हो गया मेरे को गाइज, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो यार, इतना तो मेरे को कन्फर्म है कि अभी ये BSV का जो एग्ज़ाम हुआ इंटरमीडिएट का एनुअल 2024 का, उसका रिजल्ट 20 तारीख को आएगा। इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट इस इन्हीं कुछ दिनों में आने वाला है। देखो यार, अभी टॉपर वेरिफिकेशन ये सब करेगा बिहार बोर्ड का, तो उनका तो सिस्टम बिल्कुल क्लियर है गाइस, उनका तो रिजल्ट एकदम 20 दिन में जारी होता है। ये है कि यहाँ पे देखो 24 फरवरी से जारी है कॉपी चेकिंग, जो 4 मार्च तक चलेगा, अभी तक मतलब नहीं हुआ कुछ, ठीक है, डिले चल रहा है। 6-7 मार्च तक यहाँ पे हर हाल में मूल्यांकन कंप्लीट कर लिया जाएगा। ओके गाइज, यहाँ पे जो है 6,77,921 6,26,431 छात्राएं हैं बिहार बोर्ड में, लगभग 13 लाख स्टूडेंट इंटरमीडिएट के, 13,04,352 जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पे 20 मार्च तक इंटर का जो है बिहार बोर्ड जो है परिणाम घोषित करेगी। ओके गाइज, ये सारी चीज़ें। टॉपर का जो है वेरिफिकेशन यहाँ पे 11 मार्च से यहाँ पे स्टार्ट है। ओ माय गॉड, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है बिहार बोर्ड वाले। भाई मेरे, बीवोस का भी रिजल्ट दे दो यार। देखो यार, मैं आपको बता देने वाला हूँ, अभी स्टूडेंट सब फंसे हुए हैं यार, मेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है कि यार इनका रिजल्ट आ रहा है, बताओ कल का एग्ज़ाम हुआ, इसका रिजल्ट आ जाने वाला है 20 तारीख तक।
बीबोस का रिजल्ट ये लोग फंसा के रखा हुआ है। मिस्टर आनंद किशोर सर मनमानी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यार, एग्ज़ाम लिए हो इनका तो इनका रिजल्ट का भी घोषणा करो ना यार, डिक्लेयर करो ना कभी, करोगे हमारे स्टूडेंट सब का रिजल्ट। स्टूडेंट सब में काफ़ी हलचल मच गई होगी ये शॉकिंग न्यूज़ सुन के कि 20 तारीख तक इनका रिजल्ट आएगा। भाई हमारा रिजल्ट का नोटिफिकेशन किधर गया, कब आएगा? तो गाइस आपका रिजल्ट का नोटिफिकेशन तो ये लोग जारी करते नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो है रिजल्ट 20 तारीख से आपका पहले आएगा, बिहार बोर्ड के परिणाम से पहले आपका परिणाम घोषित होना चाहिए। हम लोगों की ये एक सतत प्रयास जारी है, ठीक है। जो भी हमारे बिहार बोर्ड से देख रहे हो, बीबोस से देख रहे हो, तो भाई थोड़ा सा यार रहम कर लो हमारे स्टूडेंट पे। बीबोस वाले बताओ दिसंबर 2022 का है सर, कुछ तो देखो यार, रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कर लो, आपका बहुत ही ज़्यादा हम लोग आभारी रहेंगे, ठीक है, शुक्रगुजार रहेंगे। रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें, उम्मीद है कि आप लोग हमारी बातों पर गौर करेंगे और इनका रिजल्ट जो हमारे स्टूडेंट का प्रिय स्टूडेंट सबका डियर स्टूडेंट सबका रिजल्ट जो है जारी करेंगे। ओके गाइस ये सारी चीज़ें, तो घबराओ नहीं भाई, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ नोटिफिकेशन निकल रहा है, इसका मतलब है रिजल्ट आपका भी जो है भाई बिजी थे मिस्टर आनंद किशोर सर का क्या ही कहना यार, अब यहाँ से चेंज होने वाले हैं, ठीक है ना, जाते जाते एक अच्छा काम कर गए तो बहुत ही आभार व्यक्त रहेंगे हम लोग, ठीक है ना, जाते जाते कुछ अच्छा कर दे रिजल्ट यहाँ पे जारी करके जाएं। मैं आपको बता देने वाला हूँ बीबोस का चेयरमैन अभी चेंज होने वाला, मिस्टर आनंद किशोर सर यहाँ से चेंज होने वाले, नए चेयरमैन यहाँ पे आने वाले हैं। ओके गाइस ये सारी चीज़ें, देखो यार बोर्ड तो बंद होता नहीं है, बोर्ड तो गवर्नमेंट चलाती है और बोर्ड कभी बंद होगा नहीं यहाँ पे, और आते जाते रहेंगे लोग सब यहाँ पे चेयरमैन सब, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम तो यहीं पे रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा देते रहेंगे। ओके गाइस ये सारी चीज़ें हैं, तो घबराने को नहीं गाइस, ठीक है, मैंने आपको बता दिया 6-7 मिनट की वीडियोज बन गई, ज़्यादा टाइम आज लूँगा नहीं, और रिजल्ट मैं आपको बता देने वाला हूँ इन्हीं कुछ दिनों में आने वाला है। हमने अब बता रखा है कि 10 तारीख से पहले रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देने वाला हूँ, देखो रिजल्ट आपका जो है, देखो चेयरमैन आए जाए इसे कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट जो है आएगा, ठीक है, टेंशन ना लो तू लोग इस पे, जो है ना हम लोग जो वीडियो बना रहे लगातार जो यहाँ पे बोर्ड ऑफिस में जाकर के स्टूडेंट सब जाकर के वहाँ भी अपना काम कर रहे हैं कि रिजल्ट का नहीं, उनसे सवाल जवाब और हंगामा भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल गर्मा गर्मी हो रहा है बोर्ड ऑफिस में, तो ये है कि अभी ये लोग रिजल्ट देने वाले हैं और चेयरमैन यहाँ पे जैसे कि हम लोग बता रहे थे बिल्कुल चेंज होने वाला, अगर काम नहीं हो रहा है भाई, अगर नहीं संभल पा रहा है आपसे दोनों बोर्ड, तो आप यहाँ से जाइए, ठीक है, किसी और को मौका दीजिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, काम करने के योग हैं, तो जो भी है चेयरमैन है, बहुत सारे चेयरमैन हैं जिनको चेयरमैन बनेंगे लाइक हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एक ही चेयरमैन को दोनों का नहीं बनाया जाए इस तरह रिजल्ट, यार बताइए इनका रिजल्ट आ रहा है, इनका कोई देखने वाला ही नहीं है, ऐसे में तो इनका भविष्य खराब हो रहा है, ये भी तो एक तरह के स्टूडेंट है, आपको इनका कार्यभार दिया गया, एग्ज़ाम इनका पहले हुआ तो रिजल्ट भी इनका पहले आना चाहिए, बिल्कुल ये हमारा कहना सही, हमारे बातों पर आप गौर कीजिएगा, अगर आपने बीबोस का एग्ज़ाम करवाया है तो भाई रिजल्ट किधर गया इनका, इनका एग्ज़ाम पहले हुआ, बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम अभी हुआ 10 दिन पहले, आप उनका रिजल्ट 20 को दे रहे हैं, इनका एग्ज़ाम 3 महीना पहले 4 महीना पहले हुआ इनका रिजल्ट, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ओके गाइस ये मार्च चल रहा है हमारा, 4 महीने बीत गए, मार्च 5वां महीना चल रहा है हमारा, इनका रिजल्ट किधर गया भाई, गयो तो ये वाली बात है, ये चिंता का विषय है और ये दुखद इन्फॉर्म दुखद है सभी स्टूडेंट के लिए कि भाई अगर इन पे एक चीज़ मतलब जिनसे फ़ायदा है उनका रिजल्ट दे रहे हो, जिनसे नाम कमाना है उनका, बीबोस को कोई जानता नहीं है, इसका मतलब आप इनका दबा देंगे अंदर ही अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए, रिजल्ट इनका दीजिए, नहीं तो यहाँ पे जो है नए चेयरमैन को आने दीजिए, आप जा सकते हैं, आपसे काम नहीं हो रहा है तो किसी और को मौका दीजिए, बिल्कुल हम यहाँ पे बने हुए हैं गाइज, आप घबराए नहीं, आपका रिजल्ट जल्द से जल्द हम लोग दिलाएंगे, हलचल मच चुकी है यहाँ पे। ओके गाइज ये सारी चीज़ें हैं, नए चेयरमैन आएंगे और उम्मीद करेंगे ये चेयरमैन जाते जाते आपका रिजल्ट दे करके जाएंगे, अच्छा हम लोग जो है विदाई अच्छा से हो, ये सारी चीज़ें हैं, गाइज घबराने की जरूरत नहीं है, तो देखो गाइज घबराओ नहीं, रिजल्ट काफ़ी जल्द है, और एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट को मैं बता देने वाला हूँ, देखो अभी अमानत के लिए निकला है फॉर्म, तो अमानत वाले स्टूडेंट भर लो, अभी जो जून 23 दिसंबर 23 के स्टूडेंट है उनका एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द, देखो नोटिफिकेशन निकल रहा है, बोर्ड पे दबाव पूरा पड़ा हुआ है, समझ गए ना, क्योंकि भाई इतना स्टूडेंट को टॉर्चर करोगे तो प्रेशराइज करोगे टॉर्चर करोगे तो भाई स्टूडेंट सब गर्मा गर्मी में आएंगे, फिर वो कुछ ना कुछ करेंगे, तो फिर आप देखते रहना आते जाते रहेंगे, फिर ये वाली चीज़ है, कुर्सी आएगी जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं,
स्टूडेंट सबको परेशान करेंगे तो भाई ये है कि आप लिमिटेशन होता है ना कोई, आप किसी का कैरियर एकदम फुल्ली फिनिश्ड कर दोगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, मरता क्या नहीं करता, ये वाली बात है। तो हमने पहले अलर्ट कर रखा है कि हमारे चैनल से आपको बता दिया जा रहा है, फिर बाद में बोलना नहीं, हमारे ये सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट सब बहुत दिनों से यहाँ पे जो परेशान चल रहे हैं, ऐसे में अगर आप और परेशान करेंगे तो ये चीज़ें बहुत गलत हो जाएंगी, ठीक है ना। आप 4 महीने 5 महीने 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल एग्ज़ाम नहीं लेंगे, रिजल्ट नहीं देंगे तो क्या ही करेंगे, स्टूडेंट का कैरियर बर्बाद होगा। तो वो अपने लिए करेंगे भाई, अपना चेंज करिए, सुधार करिए, ये सारी चीज़ें। अगर जिस पद पर बिठाया गया उसको सही से आप करिए, ठीक है ना। ये आप फायदा मतलब स्टूडेंट सबको यहाँ पे कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें, ये हम लोगों का मांग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द रिजल्ट देने की कोशिश करें, एग्जाम लेने की कोशिश करें। गाइज हम लोग रेगुलर यहाँ पे बने हुए हैं, आपके साथ कुछ गड़बड़ होने नहीं देंगे, बहुत कुछ सुधार हो रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ आप जो भी चीज़ें गलत हो रही है सब कुछ सही होगा, रिजल्ट भी आएगा, एग्जाम भी होगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे, बने रहे हमारे चैनल के साथ, ये सारी चीज़ें भाई पावर है हम लोगों के पास। ओके गाइज, यूट्यूब का पावर छोटा मोटा नहीं होता, ये सारी चीज़ें। ओके गाइज, ऐसे नहीं हम लोग यहाँ पे, YouTube हमको सपोर्ट करती है, समझ गए ना गाइस। अपना चैनल ही है गाइस, सदाबहार है, ठीक है ना। कल भी हम है, आज भी हम है, आगे भी हम भी रहेंगे। ओके गाइस, ये सारी चीज़ें समझ गए गाइस। उम्मीद करेंगे सारी चीज़ें पसंद आई होगी, और इस तरह के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, आपका हक मिलेगा, आपका रिजल्ट भी आएगा, एडमिशन भी होएगा, एग्जाम वाले स्टूडेंट का एग्जाम भी होगा। तैयारी करते रहो, बता दे रहा हूँ, समझदार को इशारा काफ़ी। ओके गाइस, ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो को इंप्रिंट करना चाहेंगे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।